लिखिए पहला पॉइंट, हम लोग क्या निकालने के लिए सीख रहे हैं, अनसैचुरेशन फैक्टर। इफ मॉलिकुलर फार्मूला कंटेन मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप इफ मॉलिकुलर फार्मूला कंटेन मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन देन दैट एटम शुड बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। तो स्टूडेंट ये बात मैंने जिन मोस्टली हैलोजन के लिए बात किया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कल ही बता दिया था कि क्या क्या रह सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन एंड सल्फर, मोटा मोटी इतना ही रहेगा। तो इसमें से मैंने ये बात किसको माइंड में रखकर किया हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन रहता है फॉर्मूला में, राइट। सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे C4H9Br, तो आपको तो UF का जो फार्मूला दिए हैं वो प्योर हाइड्रोकार्बन के लिए दिए हैं, बाकी के लिए तो दिए नहीं थे। तो क्या करना है, ये है मोनोवैलेंट, तो इसको किससे रिप्लेस करना है, मतलब एक बस यूएफ निकालने के लिए, मैंने ये नहीं बोला कि ब्रोमीन हाइड्रोजन बन गया, जस्ट फॉर फाइंडिंग द यूएफ, क्योंकि जब तक मेरे पास अनसैचुरेशन फैक्टर नहीं आएगा तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि पाईबोंड है या रिंग है या नहीं है, पाईबोंड है या रिंग है ये पता करने के लिए सबसे पहले क्या पता करना है, यूएफ। दैट्स व्हाई सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, यूएफ निकालना है। तो मान लेते हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव कल के डेट में काम करना स्टार्ट कर दिया, करेक्ट, तो इसमें पाईबोंड है या नहीं है या साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, उसके लिए तो आपको ईएफ चाहिए, और फार्मूला तो ईएफ निकालने का सिर्फ हाइड्रोकार्बन का है, तो यहाँ पे रूल क्या दिया गया है, अब यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो दिस वन लुक्स लाइक C4H10, अब तो देखने से हाइड्रोकार्बन लग रहा है, एंड देन अप्लाई द फार्मूला। और यहाँ तक आने के बाद अब इसका ईएफ निकालिए, किसका, जो इसका यूएफ रहेगा वही किसका यूएफ रहेगा, ये रूल है, ठीक है। तो इसका यूएफ नहीं बता सकते हैं, कितना हो गया, 10 माइनस 10 और डिवाइड बाय, तो इसका यूएफ है भाई 0, इसका मतलब इसका भी यूएफ क्या रहेगा, 0 रहेगा। और जैसे ही यूएफ 0 है तो क्या इसमें आप पाईबोंड इमेजिन कर सकते हैं, क्या रिंग इमेजिन कर सकते हैं, इसका मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड इमेजिन कर सकते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर इमेजिन, क्योंकि रिंग होने के लिए भी आपको यूएफ चाहिए, आप पाईबोंड होने के लिए भी यूएफ चाहिए। तो अगर यूएफ 0 है तो व्हाट द कंक्लूजन, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड ओनली सिंगल बॉन्ड, ये बाद में देखेंगे, बट इसका निकालेंगे तो समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल पकड़ते हैं, C5H7Cl, इसका यूएफ क्या होगा, इसका यूएफ के लिए ही काम करेंगे ना, 8 माइनस
12 डिवाइड बाई 2 हाउ मच, तो एक किसका यू एफ है, इसका जो इसका यू एफ रहेगा वही किसका यू एफ रहेगा। तो अब यहाँ पे यू एफ 2 आ गया, अब यू एफ 2 से क्या क्या हो सकता है बाद में देखेंगे, बट अगर ओपन चेन रहेगा तो डायमेंसर पाई बॉन्ड रहेगा, ओपन चेन रहेगा तो डायमेंसर क्या रहेगा पाई बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। मैं ये नहीं बोला हूँ कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड तो रहेगा। पाई बॉन्ड किसके साथ बनेगा एवरीवन, कार्बन और क्लोरीन के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोरीन को यहाँ पे मोनोवेलेंट माने हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं बनेगा, तो किसके बीच में बनेगा, कार्बन एंड कार्बन। यार रिंग भी तो हो सकता है, करेक्ट, तो क्या क्या हो सकता है बाद में देखेंगे, क्या क्या हो सकता है वही मेरा रहेगा आइसोमेरिज्म का पॉसिबिलिटी, वही मेरा क्या रहेगा, बट क्या क्या हो सकता है वो बात तो बाद में आएगा ना, अनटिल अनलेस जब तक आपको यूएफ नहीं पता है तब तक आप गेस कर पाएंगे क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या मोनोवेलेंट रहेगा तो उसका निकल जाएगा, ओके अब लिखिए नेक्स्ट रोल, इफ फॉर्मूला कंटेन डाइवेलेंट एटम, इफ फॉर्मूला कंटेन डाइवेलेंट एटम अब ब्रैकेट भी लिखेगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाइवेलेंट के लिए ये जो रूल मैं पढ़ा रहा हूँ स्पेशली फॉर ऑक्सीजन एंड सल्फर के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, किसके लिए, देन फॉर फाइंडिंग द यू एफ, देन फॉर फाइंडिंग द यू एफ डाइवेलेंट एटम शुड बी सिंपली इग्नोर, देन फॉर फाइंडिंग द यू एफ डाइवेलेंट एटम शुड सिंपली इग्नोर। हो गया ना, करेक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे C5H12O इसका UF निकालना है, क्योंकि जब तक UF पता नहीं चलेगा तब तक आप क्लियर कट नहीं बता सकते हैं कि एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, अल्कोहल होगा या इथर होगा या इपोक्साइड होगा, राइट, इस इतना सारा बात सोचने के लिए क्या चाहिए आपको, बट EF निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि अगर डाइवेलेंट रहेगा तो EF निकालने से पहले उसको सिंपली इग्नोर कर देना है, उसको हटा के सोचना है, ये रूल है। तो इसको ऑक्सीजन को हटा दिए तो क्या नजर आएगा C5। अब आप एक चीज़ गेस कर रहे होंगे, ले देकर मैं हाइड्रोकार्बन बना रहा हूँ, राइट, कहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का ही फॉर्मूला पता है EF निकालने के लिए, राइट, इसका मतलब सिंपली मैं किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इसका EF बताइए कितना होगा, 12-12 और डिवाइड बाय, ये 12-12 जो कर रहे हैं वो समझ रहे हैं ना आप लोग, इसका यूएफ 0 है तो जो इसका यूएफ रहेगा वही इसका यूएफ रहेगा, समझ गए, तो इसका भी यूएफ क्या, अब देखिए अब आपका लाइफ कितना आसान हो गया, यूएफ 0 हो गया इसका मतलब पाई बॉन्ड तो रहेगा नहीं भाई, रिंग रहेगा ना, ही रिंग रहेगा ना ही पाई बॉन्ड रहेगा, और जब पाई बॉन्ड नहीं रहेगा तो क्या आप एल्डिहाइड बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए पाई बॉन्ड चाहिए होगा, क्या कीटोन बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ए फार्मूला के लिए और यूएफ 0 है, अब क्या क्या गेस कर सकते हैं, दो ही चीज सोच सकते हैं, या तो इथर नहीं तो नॉट इवन इनॉल भी नहीं सोच पाएंगे, राइट, मतलब वैसा कुछ भी नहीं सोच पाएंगे जिसमें पाई बॉन्ड खर्च होता हो और रिंग खर्च होता हो, राइट, दैट्स व्हाई सिंपली यहाँ पे कंक्लूजन एक बहुत बड़ा कॉन्क्रीट कंक्लूजन है ना, अदरवाइज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाता, अभी पूरा फंक्शनल ग्रुप में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये अल्कोहल रहेगा या तो हम लोग का एनर्जी बच गया, अब सिर्फ अल्कोहल इथर में सोचेंगे और नंबर ऑफ आइसोमर निकालेंगे, राइट, तो ये अल्कोहल रहेगा नहीं तो इथर रहेगा, बट ये बात इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि यूएफ 0 है, तो दिस इज द रोल ऑफ यूएफ, करेक्ट, हो जाएगा ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका यूएफ बताइए, चलिए यूएफ कितना है,
वन, अब दिमाग दौड़ाइए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या हो सकता है जो मैं नॉमिनेचर पढ़ाया हूँ उसके बेसिस पे, जो जो हो सकता है लिखिए। इसका ईएफ कितना आया है एवरीवन? ईएफ निकालने के लिए करना क्या है, C5 C4, इसका ईएफ हाउ मच, सॉरी वन। अब इसके बारे में सोचिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईएफ वन, अब मान लेते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर, दो केस हो सकता है ना, या तो रिंग नहीं तो ओपन चेन, अगर ओपन चेन रहेगा तो एक पाई बॉन्ड तो आपको देना ही पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा ना ईएफ। अरे वन पाई बॉन्ड से क्या क्या हो सकता है, इसको क्या क्या बना सकते हैं सर? अल्कोहल भी बन सकता है, बोलिए कैसे, इनॉल, इन भी रहेगा और भी रहेगा, ईथर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे काम चलेगा भाई? ईथर के लिए मैंने कहीं बोला कि पाई बॉन्ड नहीं रहेगा, ईथर तब बोलते हैं जब ऑक्सीजन दो कार्बन की जो सैंडविच हो, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो क्या ईथर नहीं कहलाएगा? ईथर भी हो सकता है, करेक्ट ना, एकदम चीज़ों को पकड़ के रखिए। ईथर का मतलब वेन ऑक्सीजन सैंडविच बिटवीन टू कार्बन, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, ईथर, करेक्ट। ईथर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एस्टर होगा, एस्टर के लिए दो ऑक्सीजन चाहिए, नहीं हो सकता, एसिड होगा, एसिड एनहाइड्राइड तो बिल्कुल नहीं होगा, इपोक्साइड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, राइट। इतना सारा पॉसिबिलिटी है, एक मिनट एक मिनट, आपको क्या लगता है यहाँ पे C4H8O, एक मिनट मैं डेमो देता हूँ, C4H8O और ऐसे क्वेश्चन आएगा टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर, भाई ये बात पूछने का मतलब हुआ ना कि नीट में कभी नहीं आएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा अबाउट 20 मिनट्स का, एक क्वेश्चन इसका आंसर कम से कम तो आसपास 30 प्लस में जाएगा, कितना में, लेकिन इतना मतलब हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, बट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक मिनट और दो मिनट वाला, बट यहाँ तक चीज़ों को जानते रहिएगा तब आसान क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें अगर मुझे पूछना रहेगा तो मैं सिर्फ बोलूँगा फाइंड आउट टोटल ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्वेश्चन को छोटा कर देंगे, बाउंड्री कंडीशन टोटल व्हाट, अगर ऐसे बोलेंगे फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर तो भाई इसमें तो पागल हो जाइएगा, अल्कोहल भी रहेगा, ईथर भी रहेगा, इनॉल भी रहेगा, इपोक्साइड भी रहेगा, रिंग भी रहेगा, तो इसका आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है जब सोच रहा हूँ 40 प्लस में जाएगा, कितना में, 40 प्लस। इस क्लास में आप लोग ही सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन लेंगे। चलिए तो डाइवेलेंट का तो हो जाएगा एवरीवन। अब नेक्स्ट लिखिए, इफ फार्मूला कंटेंट ट्राइवेलेंट लाइक नाइट्रोजन, इफ फार्मूला कंटेंट ट्राइवेलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन, देन मेक इट मोनोवैलेंट, देन मेक इट मोनोवैलेंट विथ द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, देन मेक इट मोनोवैलेंट विथ द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। एक मिनट, बाहर का हाइड्रोजन नहीं, उसी फार्मूला का हाइड्रोजन के हेल्प से क्या बनाना है, देन मेक इट मोनोवैलेंट विथ द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, एंड देन दैट मोनोवैलेंट ग्रुप, देन दैट मोनोवैलेंट ग्रुप रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, देन दैट मोनोवैलेंट ग्रुप शुड बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, एंड देन अप्लाई फार्मूला ऑफ UF, एंड देन अप्लाई फार्मूला ऑफ UF। अभी एक मिनट रुकिएगा, ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से किसी एटम का वैलेंसी होता है उसी तरीके से इसका वैलेंसी कितना, जनरली मोस्टली
नाइट्रोजन एटम का जनरली तीन होता है, ऐसे कभी कभी चार भी होता है। अब पूछेंगे कि इस ग्रुप का क्या वैलेंस रहेगा, तो मैंने इसका ट्राई वैलेंस था दो हाइड्रोजन से, इसका दो वैलेंस को सैटिस्फाई कर दिया। अब इसका कितना वैलेंसी बचा, वन। तो इस ग्रुप का वैलेंसी, तो किसी सिर्फ वैलेंसी एटम का होता है या ग्रुप ऑफ एटम का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, इसका रिप्रेजेंटेटिव फेसिंग एटम तो ये कार्बन है, तो इस यहाँ पे एक बॉन्ड छूटा हुआ है, तो कार्बन का कितना वैलेंसी यहाँ पे पूरा हो गया, तीन, एक ही बचा हुआ, तो इसको क्या बोलेगा, डाइवेलेंट या मोनोवेलेंट ग्रुप। तो क्या हुआ, किसी का पार्टिकुलर का है, ग्रुप ऑफ एटम का वैलेंसी हो गया। एनीवे, अब समझ में आ गया कैसे ट्राइवेलेंट को मोनोवेलेंट बनाएंगे। सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल लिया, C3H9N, करेक्ट। तो आपके पास एक ट्राइवेलेंट है एटम नाइट्रोजन, क्या करने के लिए बोला गया है, मेक इट मोनोवेलेंट। मेक इट किसके हेल्प से, पढ़िए उसको, अंडरलाइन कीजिए। तो इसको कितना हाइड्रोजन दे दें अलग से, यहाँ कहीं हाइड्रोजन, ताकि ये मोनोवेलेंट नजर आए। तो सर इसको ऐसे बना दीजिए, नाइन हाइड्रोजन था इसमें, दो इसको दे दिया और बिल्कुल पार्टिकुलरली ऐसे रिप्रेजेंट किए, क्या बनाने की कोशिश की है, मोनोवेलेंट। बन गया मोनोवेलेंट, और जो मोनोवेलेंट बनेगा ये कैसा हो गया, मोनोवेलेंट। यहाँ तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट इसको मोनोवेलेंट बना दिया, और इस मोनोवेलेंट को किससे रिप्लेस कर देना है, C3H7H, इसके बदले मैंने H दे दिया, यहाँ का H अब नहीं देना है, इसको अलग से रिप्लेस कर देना है। अब ये फार्मूला लुक्स लाइक व्हाट, C3 मतलब यहाँ से आपको यहाँ आना पड़ेगा, करेक्ट। और इसका जो UF रहेगा, किसका, इसका जो भी UF रहेगा वही इसका UF रहेगा। तो कितना UF आया, तो यहाँ पे आने का UF कितना हुआ, एवरीवन, वन नहीं रहेगा भाई, जीरो रहेगा। इसका UF कितना रहेगा, 8 - 8/2 ना, जीरो। तो इसका भी UF क्या है, अब कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, नॉमेनक्लेचर इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। आपका फार्मूला में कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट, ऑक्सीजन नहीं है, अब पाई बॉन्ड भी नहीं है क्योंकि UF जीरो, और रिंग भी नहीं है, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो सकता है, नाइट्राइल होगा, उसके लिए दो पाई बॉन्ड चाहिए। नाइट्राइल के अंदर कितना पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आपके हाथ में है नहीं है, तो क्या नाइट्राइल बना पाएंगे, आइसो नाइट्राइल बनाइएगा, एक ही ऑप्शन आपके पास ले देके बचा, एमाइन, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है, मतलब प्योरली एमाइन है। तो बहुत बड़ी बात है ना कि आप गेस कर लिए, गेस नहीं किए, कॉन्क्रीट रिजल्ट बताए। पहले अगर ऐसे पूछते तो आप गेस करते, सर शायद नाइट्राइल भी होगा, अब बोले नहीं सर नाइट्राइल नहीं होगा क्योंकि UF क्या है, जीरो है। तो बिल्कुल आइसोमिजम का कोर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो UF जीरो का मतलब एक ओनली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओनली एमाइन, उसमें भी साइक्लिक या ओपन चैन, ओपन चैन नॉट रिंग। अब हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका UF क्या होगा, कैसे स्टूडेंट, सर सबसे पहले तो इसको बदले मैं एक हाइड्रोजन दे दूंगा, करेक्ट, आज देते ही लुक्स लाइक दिस वन, देते ही ऐसा दिखेगा, और फिर C3H7 और यहां से दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देंगे, और उसके बाद C3H आप लोग फर्स्ट टाइम है, अच्छे से लिखिएगा, ये हो जाएगा, और ये फार्मूला क्या बन गया, नहीं था कि हर केस में मैं हाइड्रोकार्बन में लास्टिक कन्वर्ट कर रहा हूँ,
क्योंकि मेरे पास यूएफ निकालने का हाइड्रोकार्बन का ही फार्मूला था सिर्फ, और दूसरा का नहीं था, तो मैंने हाइड्रोकार्बन टर्न किया। और इसका यूएफ कितना है? जीरो। तो इसका भी यूएफ क्या रहेगा? जीरो रहेगा। हो गया ना? तो मुझे लगता है कि अब आप लोग ईएफ निकाल लीजिएगा। इसका मतलब आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी फार्मूला आपको दें तो एटलीस्ट आप ईएफ तो निकाल ही सकते हैं, करेक्ट है ना? चलिए, ओके एवरीवन। आजकल बच्चों का एक खिलौना मिलता है ब्लॉक बनाने का, देखें बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कभी इधर से जोड़ रहे हैं, कभी इधर से जोड़ रहे हैं, राइट? तो आज हम लोग वही गेम खेलते हैं। क्या बनाने का? ब्लॉक बनाने का। स्टूडेंट आपको दो कार्बन एटम दे दिए, कितना? और मैंने आपको टास्क दिया कि दो कार्बन से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाकर, उसे पाई बॉन्ड वगैरह मत भरिए, राइट? कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं? पक्का? क्यों सर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है? एक कार्बन इसमें, अरे एक कार्बन को रेफरेंस कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। एक कार्बन को अगर रेफरेंस लेते हैं तो इसमें टाइप ऑफ कार्बन एक ही हो गया, राइट? तो यहाँ पे, और आपके हाथ में एक कार्बन है, इसका दो कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है ओपन चेन में। रिंग तो सर बनेगा ही नहीं, क्योंकि रिंग बनाने के लिए मिनिमम तीन पॉइंट होना चाहिए, राइट? क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, वेरी गुड, लिख लीजिए। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रहा है। अब आपको मैं तीन कार्बन दिया, तीन कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना है ओपन चेन में, जितना बन सकता है भाई, गेस नहीं करना है, बनाना है। बनाने का तरीका सीखिए। मैं आपके जगह पर रहता तो ऐसे करता सर, एक कार्बन पहले लिया, अब मेरा हाथ, ध्यान से सुनिएगा, लगता है कि चीज़ आसान है? अभी आसान लग रहा है, आपको मौका देंगे। एक कार्बन यहाँ पे लिए तो मेरे हाथ में कितना कार्बन बचा? तो दो कार्बन है तो दोनों को एक साथ नहीं बैठाना है, वन बाई वन। कैसे? तो एक कार्बन ए यहाँ रख दिया, अब इसको बैठाना है, इसको बैठाने का जगह कितना, किसको हटा कर बैठाएंगे? बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। अब कितना बचा मेरे हाथ में? एक मिनट, इस स्ट्रक्चर में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन रिविजन करके आना था, पढ़ाया है ना नॉमिक्लेचर में, मैक्सिमम उसका यूज यहाँ पे होने वाला है। इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना? वन। देन हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन? वन। और ये किसको रिप्लेस करके आएगा? हाइड्रोजन को। तो इसमें रिप्लेस यहाँ बैठाएं इस कार्बन को या यहाँ बैठाएं, अलग बात या सेम बात? अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर बीच में भी बैठाएंगे, हो सकता है, आपकी मर्जी है। बीच में भी अगर इसको सैंडविच कर दे इस कार्बन को तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा या सेम स्ट्रक्चर बनेगा? इसका मतलब आज के बाद आपके लाइफ में तीन कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर बनेगा तीन कार्बन से ओपन चेन में या ओनली वन स्ट्रक्चर? अल्काइल नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, राइट? स्ट्रक्चर का मतलब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है? इसका मतलब है कि इसको बैठाने का जगह एक रहेगा, तो कितना स्ट्रक्चर होगा? वन। इसको याद रखिएगा, ये अगर याद रखे हुए हैं तो मेरा 90% काम हो जाएगा। क्या बोले? मैं अभी ओपन चेन में पूछ रहा हूँ, ओपन चेन के लिए पहले कर लेते हैं, साइकिल पे बाद में आएंगे, ओके। अब एक मिनट, आपको मैंने चार कार्बन दिया एवरीवन, पहले से जो रटे हुए हैं उसको छोड़ दीजिए, डिराइव करना है। ऐसे मेरा भी रटा हुआ है, दो स्ट्रक्चर होगा, बट चार कार्बन से कितना स्ट्रक्चर हो सकता है, डिराइव कीजिए। तो देखिए, एक मिनट, चीज़ों को आसान कैसे करते हैं, मैं आपके जगह पर रहता तो तीन, एक मिनट, लेट मी फिनिश, वन बाय वन करना था, तीन कार्बन का तो एक ही बनेगा, तीन कार्बन तक, पहले एक कार्बन बैठाएंगे, फिर दूसरा कार्बन बैठाएंगे, फिर तीसरा कार्बन, तीन कार्बन तक का तो काम किया हुआ है ना। कभी कभी कुछ काम पहले से किया हुआ है उसको लाभ लेना चाहिए। तीन कार्बन तक का ऑलरेडी मैं काम किया हुआ था, करेक्ट है? तो भाई तीन कार्बन तक का तो मेरा काम किया हुआ था, फोर्थ कार्बन का काम नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे था ही नहीं। फोर्थ कार्बन में, इसमें देखिएगा,
फोर्थ कार्बन, मैं हर कार्बन को बैठाने से पहले टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन देख रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही देख रहा है। तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? वेरी गुड, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, रिवीजन किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन कर लीजिएगा। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप, टाइप ऑफ कार्बन हो गया दो इसमें, और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना है? तो इस कार्बन को यहाँ बैठाएं, यहाँ बैठाएं, सेम बात है, अलग अलग बात, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, बट यहाँ और यहाँ क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन को, फोर्थ कार्बन को बैठाने का कितना जगह? तो दो स्ट्रक्चर यहाँ से क्रिएट होगा, ठीक है ना? तो अभी आज से पहले जो आप लोग रटे हुए थे कि चार कार्बन का दो स्ट्रक्चर होता है, वो इस वजह से दो हुआ है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। भाई सेंटर कार्बन नहीं, मुझे हर स्ट्रक्चर के लिए, अगर पांच कार्बन देंगे तो सबको एक वन बाय वन चलना है, ठीक है, और जैसे सिखा रहे हैं वैसे ही देखना है। सेंटर कार्बन क्या देखेंगे, कभी कभी सेंटर कार्बन नहीं भी रहेगा, पांच कार, अगर मान लेते हैं कि आपके पास चार कार्बन है तो कोई बीचों बीच आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सेंटर कार्बन बोल रहे हैं या टाइप ऑफ कार्बन बोल रहे हैं? मैं सेंटर कार्बन तो बोला ही नहीं। अभी यहाँ पे जो भी छोटा छोटा पॉइंट बोलते रहेंगे ना, उसको नोट करते रहिएगा। चलिए, चार कार्बन का दो स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट, आपके हाथ में पांच कार्बन दे दिए, कितना कार्बन? एक मिनट, तो चार कार्बन तक का तो काम किए हुए थे ना आपने, चार कार्बन तक का तो अभी काम किए थे, चार कार्बन से कितना स्ट्रक्चर मिला था? एवरीवन, फिफ्थ कार्बन का काम नहीं किए थे, तो चार कार्बन का मेरे पास दो स्ट्रक्चर है, एक एवी है और एक एवी है, करेक्ट। फिफ्थ कार्बन को कहाँ बैठाएंगे? दोनों के लिए काम करना है, फिफ्थ कार्बन के लिए। इस सब लोग यहाँ देखेंगे, पहले ही बोला कि जितना आप चीज़ें आसान सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है। तो फिफ्थ कार्बन बैठाने के लिए चार कार्बन का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर काम करना है, पर चार कार्बन के पास, चार कार्बन से आपके पास कितना स्ट्रक्चर है? दो स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। तो पहले वन बाय वन कीजिएगा, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? बोले मेरे साथ, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? हाइड्रोजन। तो इस कार्बन को यहाँ भी बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं, बट आप लोग टीचर नहीं है कि एरो देकर छोड़ दीजिएगा, क्या नहीं है? तो आप लोग लिखिएगा स्ट्रक्चर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस पे काम कर रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं और आगे चलकर कोई दो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाए तो लॉस ऑफ रूट या इंक्रीज ऑफ रूट हो जाएगा, जितना आंसर आना चाहिए उसे कम भी नजर आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ क्या हूँ कि थोड़ा सा कुछ समझते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और मेरे जैसा एरो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका अभी फर्स्ट टाइम है सब, राइट? इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप। अरे क्या यहाँ भी, तो यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, अलग बात है, सेम बात। तो यहाँ से भी दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और यहाँ से भी दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ से दो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? एक स्ट्रक्चर तो ये रहेगा, करेक्ट, और दूसरा स्ट्रक्चर, और जब भी कन्फ्यूज होते हैं कि वह स्ट्रक्चर रिपीट है या नहीं है तो उसका आईयूपीएसी नेम लिख दीजिएगा, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। इसमें देखिए, एमरा स्ट्रक्चर है फर्स्ट, एमरा स्ट्रक्चर है सेकंड, ये देखिए। तो इसका नाम क्या है? टू मिथाइल ब्यूटेन, पढ़िए, टू मिथाइल, इसका नाम क्या पढ़िएगा? अब नंबरिंग इधर से करेंगे तो मतलब ये आपको डिफरेंट मिला या सेकंड मिला, इसको सेम नाम दीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, यहाँ से जो दो मिला उसमें एक कॉमन हो गया, राइट, तो उसको अलग नहीं काउंट करना है, उसको सेम काउंट करना है। ये आपको मिला है इससे पहले, तो इसको थर्ड,
तो आज के बाद ओपन चेन में 5 कार्बन से 3 स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, और सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर बनेगा, स्केलेटन ढांचा, राइट? लिख लीजिए। ये याद रहेगा 3 स्ट्रक्चर 5 कार्बन का, पक्का? ओके। अब आपको मैंने 6 कार्बन दे दिया, कितना कार्बन? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन से का कितना स्ट्रक्चर हो सकता है? दिखना पड़ेगा। तो 6 कार्बन का अगर काम करना रहेगा तो 5 कार्बन का तक का काम किए हुए हैं, तो उसका लाभ उठाएंगे, फिर से 1 कार्बन से स्टार्ट करेंगे या 5 कार्बन का लाभ उठाएंगे? तो 5 कार्बन से कितना स्ट्रक्चर? तो तीनों स्ट्रक्चर पहले मैं आपकी जगह पर रहता प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिख देता है, पहला स्ट्रक्चर, फिर दूसरा स्ट्रक्चर, और फिर तीसरा स्ट्रक्चर, करेक्ट? और आपके पास अब 6 कार्बन बचा हुआ है, 6 कार्बन को लेकर इस पे काम कीजिएगा, इस पे कीजिएगा, इस पे कीजिएगा, या तीनों पे करेंगे? तीनों पे करना पड़ेगा। ए मेरा है 6 कार्बन, ए मेरा है 6 कार्बन, और ये मेरा क्या है? चलिए, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप। दोबारा सिखाना पड़ेगा या आप लोग को समझ में आ जाएगा? तो इसमें इस कार्बन को बैठाने का कितना जगह? 3। इसमें इस कार्बन को बैठाने का कितना जगह? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट 2। तो इसमें कार्बन को बैठाने का कितना जगह? 1। यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, कार्बन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट। कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा हो चुका, ऐसा नहीं कि एरो ऐसे भी कर रहे हैं। तो 5 वैलेंसी निकाल दिए कार्बन का तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा, तो अभी नोबेल प्राइज नहीं लेना है। यहाँ पे खींचेगा फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, अरे सेकंड टाइप। तो कार्बन बैठाएंगे किसको हटाकर? रिप्लेस करेंगे ना, कि उसका वैलेंसी बचा हुआ हाइड्रोजन को हटाकर, राइट? यहाँ पे तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ से ए, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एवरीवन? 4 ना, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए, हो आप लोग से मिस्टेक क्या होगा कि आप लोग मेरे जैसा सिर्फ एरो देकर छोड़ दीजिएगा तो ऐसे काउंट कर लीजिएगा, 4 एक 5 और 5 3 8। तो एरो देकर छोड़ना नहीं है, यहाँ से जो स्ट्रक्चर उसको ड्रॉ करना है, यहाँ से जो स्ट्रक्चर उसको भी ड्रॉ करना है, और यहाँ से जो स्ट्रक्चर उसको भी ड्रॉ करना है, और देखना है कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। जो रिपीट होगा डैम से आप लोग ड्रॉ कीजिए, इसमें तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर मिला उसको ड्रॉ कीजिए, यहाँ से जो 4 स्ट्रक्चर उसको ड्रॉ कीजिए, बाद में नंबरिंग करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन बैठाना है, एक बार यहाँ बैठाइए, फिर एक बार यहाँ बैठाइए, फिर एक बार यहाँ बैठाइए, फिर एक बार यहाँ बैठाइए, और 8 आपको टोटल कितना मिला? 8। 8 में से देखिए तो कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट हो रहा है उसको कॉमन नाम दे दीजिएगा, नंबर। पाँच ही आना चाहिए, किसी का 6 आया है मतलब वो एक ही चीज़ को दो बार लिख दिए हैं,
और कभी भी कन्फ्यूजन होता है तो राइट देयर IUPAC नेम। इसलिए मेरा तो आंसर 5 है। 6 है, जिसका जिसका 6 है उनको फिर से एक बार देखने का रिक्वायरमेंट है। बाकी लोग का किनका किनका 5 आ गया है, और जिनका भी 6 आ रहा है और जो कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ इसका 4 स्ट्रक्चर लीजिए और इसका 1 लीजिए और देखिए तो इसमें कोई मैच करता है। ठीक है, इसका बाकी 3 बनाइए, तो टोटल आपके पास कलेक्शन तो 8 हुआ ना भाई। पहले के ज़माने में हम लोग इस टाइप का गेम खेलते थे, 2 फोटो है उसमें डिफरेंस निकालना है, राइट। वही तो है, 8 स्ट्रक्चर उसमें देखना है कौन सा कॉमन है, फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है। राइट देयर IUPAC नेम, क्या करना है, नाम लिख दीजिए। नाम अगर डिटो 100 सेम हो गया, मतलब सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आइसोमोरिज्म चेक करने का ब्रह्मास्त्र, आपसे नहीं क्रॉस चेक हो पा रहा है, सबका 8 का नाम तो लिख सकता है ना IUPAC नेम, नाम लिख दीजिए। और जिसका नाम डिटो कॉमन हो गया, मतलब वो सेम है, आपको पता नहीं चलेगा, इसमें यही 5 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। वाली कितना स्ट्रक्चर, तो आज के बाद 6 कार्बन का सिर्फ कितना स्ट्रक्चर रहेगा ओपन चेन में, 5 रहेगा, 6 नहीं रहेगा। कोई इसमें कुछ रिपीट हो रहा होगा, राइट, यहाँ का भी इसके साथ कुछ रिपीट हुआ होगा, हुआ है ना, नहीं रिपीट होता तो 8 होता आंसर, बिना रिपीट हुए तो आंसर कितना रहता, 8। चलिए अब आप लोग को घर पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कितना कार्बन का स्ट्रक्चर घर पे ड्रॉ करना है, 1 मिनट, 7 कार्बन का, राइट, ये डिकेशन में प्रॉब्लम है, तो 7 कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो 6 कार्बन का तो आप मेहनत कर चुके, 5, मैं इसका आंसर से बता देता हूँ, घर पे कर लीजिएगा, आंसर है 9, कितना है, 9 है, हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, इस 5 से स्टार्ट करना है, इसके लिए 7th कार्बन, इसके लिए 7th, और सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, और जितना भी स्ट्रक्चर रहेगा उसमें क्या करना है, कॉमन देखना, जो रिपीट रहेगा उसको सेम नाम दीजिएगा, तो टोटल कितना आना चाहिए, 9। एक खुद के फास्ट होने के लिए काम कर लीजिएगा, सर इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा इससे नहीं आएगा कि कोई आपसे 15 कार्बन का कितना इस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, गेस कीजिए, तो गेस ऐसे ही रैंडम, एक्चुअली 15 कार्बन का रहता है मोर देन 4000, इतना तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, कितना, तो सर एक काउंट कौन करेगा, तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग फिट के तो हो सकता है ना, 40 कार्बन का छोड़ देंगे, आप अपना काउंटिंग कहाँ तक करते हैं, जैसे हम लोग सिखाया जाता है हिंदी में इकाई दहाई, दहाई समझते हैं, बोलते हैं ना 9 तक, सिंगल डिजिट नंबर, डबल डिजिट को बोलते हैं दहाई, और ट्रिपल डिजिट को सैकड़ा, बहुत सारा चीज़ यूज कर रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे हैं, उसके बाद 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, उसके बाद क्या आता है, अरब, लाइफ का मिशन है ना 1 अरब रुपया कमा लें, 1 अरब 10 अरब, यस खरब, 10 खरब, उसके बाद नील, उसके हाँ वो नहीं नील बटा सनातन जीरो नहीं नील बटा, मतलब उसके बाद बहुत हो गया भाई, तो जहाँ तक आपका काउंटिंग खत्म होता है उतना आएगा इसमें, तो ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब 7 कार्बन तक ओपन चेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल दूंगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा भाई, इसमें तो घबराने की बात ही नहीं है। तो सर 8 कार्बन दीजिएगा तो ये तो उसमें तो बहुत काम खराब हो जाएगा, 8 कार्बन देंगे लेकिन आपका लाइफ इजी कर देंगे, बोलेंगे 8 कार्बन है बट बेंजीन है उसमें, एक वन ऑफ द रिंग क्या रहेगा, बेंजीन रिंग, तो बेंजीन बोल के आपका लाइफ आसान कर दिए, बेंजीन रिंग बना लिए, राइट, तब तो आपके पास 2 ही कार्बन बचा ना, इससे आसान लाइफ क्या रहेगा, 2 कार्बन उठाना है, 3 आंसर रहेगा, डाई सेप्टेड बेंजीन तो 3 ही हो सकता है, तो क्वेश्चन बड़ा करके उसको आसान कर दिया जाएगा बाय अप्लाइंग कॉन्स्टेंट कंडीशन।
अदरवाइज अगर ऐसे बोल देंगे फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ सी एट एच एट, तो आपसे क्या मुझसे भी नहीं बनेगा और 3 आवर भी कम पड़ जाएगा, राइट। चलिए मेरा काम सबसे बड़ा काम हो गया। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं, इस 6 कार्बन तक का स्ट्रक्चर को समझ के बहुत अच्छी बात है, रट लीजिए आज के बाद। तो ये नहीं नंबर नहीं, स्ट्रक्चर के साथ 1 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर है, 1, 2 कार्बन का, 1, 3 कार्बन का, ब्रांचिंग कहाँ शुरू होता है 4 कार्बन से, राइट। 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर, नॉर्मल एंड आइसो, राइट। 5 कार्बन कितना स्ट्रक्चर, 6 कार्बन का, 7 कार्बन का, अभी ड्रॉ तो किए नहीं हैं, ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करें, ट्यूशन में जो भी बात बोलते रहेंगे उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। सी एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले हम लोग को एक बहुत बड़ा चीज जानना पड़ेगा, एक यस, अगर UF0 आता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको UF ही निकालना पड़ेगा फॉर्मूला का। UF0 है मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले व्हाट द कंक्लूजन, लिखिए नो पाई बॉन्ड नो रिंग, ओनली व्हाट, ओनली ओपन चेन एंड सिंगल बॉन्ड, राइट। यहां देखिए, अगर UF1 है तो UF1 है तो आपको 2 तरीके से काम करना पड़ेगा और दोनों मिलाकर करेक्ट आंसर होगा। एक तरीका रहेगा 1 पाई बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड लेकर काम करेंगे विदाउट रिंग, मतलब 1 पाई बॉन्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर, विदाउट रिंग का मतलब क्या है 1 पाई बॉन्ड ओपन चेन, और दूसरा क्या रहेगा 1 रिंग, और दोनों मिलाकर आंसर रहेगा, ठीक है, विदाउट पाई बॉन्ड। यहां तक आ जाइए, अब एक मिनट, यहां भी आपसे मिस्टेक होगा, 1 पाई बॉन्ड, इस 1 पाई बॉन्ड में मैंने क्या ये बोला कि वो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा या कार्बन ऑक्सीजन, मैंने बोला सिर्फ 1 पाई बॉन्ड रहेगा, राइट। तो हो सकता है कि सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, C3H6O और यहां पे अगर UF निकाले और 1 पाई बॉन्ड, अगर 1 UF आया तो 1 पाई बॉन्ड रहेगा, वो पाई बॉन्ड किसके बीच में हो सकता है, कार्बन कार्बन का भी हो सकता है और कार्बन ऑक्सीजन का भी हो सकता है, इसका मतलब दैट पाई बॉन्ड कैन बी व्हाट, लिखिए भूल जाइएगा, होमोटॉमिक पाई बॉन्ड, और होमोटॉमिक का मतलब सी डबल बॉन्ड सी जैसा, और या दोबारा आइसो मुझे हम नहीं पढ़ाऊंगा एवरीवन, नॉट लाइक दैट कि सर करंट एलसी दोबारा पढ़ा दीजिए, वो तो मैं पढ़ा दूंगा, ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। अब 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड में, यहां देखिए एक कैसा रिंग, हेट्रोएटॉमिक रिंग या होमोएटॉमिक, क्यों, सर सेम एटम से रिंग बना है, राइट, इसको होमोएटॉमिक रिंग या हेट्रोएटॉमिक, दूसरा एटम हो सकता है बट रिंग में तो सेम एटम है, दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ होमोएटॉमिक रिंग, राइट। एक ऐसा रिंग, तो जब रिंग रहेगा तो रिंग में भी दोनों सोचना है, कौन कौन सा, आइसोमेरिज्म का बिल्कुल भूलकर भी क्लास मिस मत कीजिएगा एवरीवन, नॉमक्लेचर तक फ्रीडम था कि एकाध क्लास मिस करके मुझे पकड़ लीजिएगा,
यहाँ के बाद बिल्कुल नहीं पकड़ पाइएगा। ए हो गया, रेजोनेंस हो गया, गलती से भी नहीं क्लास छोड़ना है। होम एटॉमिक रिंग एंड हेट्रो एटॉमिक रिंग। चलिए तो वन यूएफ के लिए इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है? इसको हटाएं। कल मैथ का क्लास कौन कौन रात में ज्वाइन किए हुए थे और कौन नहीं किए हुए थे? नहीं तो ठीक है, मतलब नहीं, कल का होस्ट मैं ही था। कल जो घर से क्लास चलता है ना, तो मैं देखते रहता हूँ कौन, तो सब लोग अटेंडेंस था सबका। वो सिर्फ ज्वाइन करते रहते हैं या साथ में सर का रिप्लाई भी करते हैं? रिप्लाई में मोस्टली देखते हैं कि एक बेचारा क्या साहिल और सनी ज़्यादा करते। आप लोग भी रिप्लाई किया कीजिएगा सर जब पूछेंगे तो। इतना सारा क्लास देने के पीछे वजह है ना कि देखते देखते जेई मेन का टाइम आ जाएगा, क्योंकि बैच तो लेट से स्टार्ट हुआ, इसमें मेरा भी कोई मिस्टेक नहीं है। ओके एवरीवन, यहां देखिए यूएफ दो क्या क्या हो सकता है? वेरी गुड सर, टू पाई बॉन्ड। लेकिन टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बोलने के बाद एक बात बोल दीजिएगा, क्या विदाउट रिंग? अभी एक मिनट, टू पाई बॉन्ड से क्या क्या बना सकते हैं? एक ट्रिपल बॉन्ड, नहीं तो दो डबल बॉन्ड। बट ये आपको बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। मतलब मैं इसमें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है कि दो पाई बॉन्ड है तो अब मैं डबल बॉन्ड के लिए अलग सोचूंगा, ट्रिपल बॉन्ड, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाएगा। जो मैं जिस तरीके से आपको डेवलप करूंगा कॉन्सेप्ट, बस ये दिमाग में रखिएगा, टू पाई बॉन्ड है तो डैम सो या तो दो डबल बॉन्ड रहेगा नहीं तो एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। कि यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक वह ए ट्रिपल बॉन्ड बी, एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक, तो इसका मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड कितना बनेगा? ऑटोमेटिक देखिएगा वन आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड रहेगा तो कितना आएगा? दो रहेगा, करेक्ट? ओके, और क्या हो सकता है एवरीवन? वन रिंग प्लस वन पाई बॉन्ड। और कुछ हो सकता है? यस, विदाउट पाई बॉन्ड। यहाँ तक आइए, नॉमिनक्लेचर का 11th क्लास का पहला लेक्चर फॉलो किए हैं, उसी में तो ये बताया था। मैं उस टाइम पे डेमो पहले डेमो क्लास में ही बोलता हूँ कि ए डबल बॉन्ड भी रहेगा तो मेरे पर ट्रस्ट कर लीजिए कि इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा और दो पाई। वही बात तो वहाँ बोला, कन्फ्यूजन कहाँ पे है? कन्फ्यूजन क्या बोला वो मैटर नहीं करता है, कन्फ्यूजन क्या हुआ? मैंने बोला कि अगर दो, यहाँ देखिएगा मेरे पास कितना पाई बॉन्ड है, दो है, और डबल बॉन्ड ही बनाना है तो डबल बॉन्ड एक ही जगह बनाएंगे, कुछ ऐसा तो हो सकता है ना? तो एक डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, दूसरा डबल बॉन्ड कहीं और रहेगा, या अब ये भी हो सकता है कंटिन्यूअस रह सकता है, बट ए डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड सेम है या अलग अलग है, ये मैं बोल रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ,
इसका कितना स्ट्रक्चर बनेगा, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो वन है तो इसमें आइसोमिज्म हो ही नहीं रहा है। सिंपल सा लॉजिक है कि वन है अगर है तो इसमें आइसोमिज्म नहीं हो रहा, एटलीस्ट स्ट्रक्चरल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा होना पड़ेगा ना। ई एफ कितना, वेरी गुड आंसर, वन ही है। ई एफ कितना, जीरो। तो देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका, सिर्फ तरीका के लिए लिया हूँ क्वेश्चन। दो कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर है, तो पहले दो कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा और क्लोरीन को बाहर रखना है। इसका मतलब आज के बाद हैलोजन जो भी रहेगा उसको बाहर रखना है, अंदर रखना है या बाहर, करेक्ट। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन किसको रिप्लेस करके बैठेगा, तो यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं, एक ही बात है। तो इसका मतलब यहाँ से एक ही स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल था, सिर्फ यही और कोई दूसरा नहीं होगा, करेक्ट। बट एक ही स्ट्रक्चर है जिसमें आइसोमिज्म नहीं होगा, बट स्ट्रक्चर ये तो पता चल गया कि स्ट्रक्चर एक होगा। फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। भाई गेस नहीं करना है, डिराइव करना है। मैं वही चीज कोशिश कर रहा हूं कि आप डिराइव करना सीखिए। आप लोग वही काम कर रहे हैं जो आपसे पहले कर रहे थे, गेस। आप में से सब लोग ईएफ निकाल लिए, कितना आया, जीरो। इसका मतलब समझ में आ गया। अब देखिए दो कार्बन का पहले स्केलेटन ड्रॉ कीजिएगा, कितना, एक ही स्ट्रक्चर है। आपके हाथ में क्या बचा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। दोनों को एक साथ नहीं बैठाना है, वन बाय वन बैठाना है। ये नया बात सीख रहे हैं, क्या करना है, आज के बाद दो हाइड्रोजन रहेगा तो दोनों को एक साथ बैठाना है या वन बाय वन, ये लिखिए भूल जाइएगा, दोनों को वन बाय वन। अब किसको पहले बैठाएं, ये आपका फ्रीडम, जिसको भी बोलिए आंसर पे कोई इफेक्ट, किसको बैठाया जाए पहले, ब्रोमीन को पहले बैठाते हैं। इसमें ब्रोमीन को बैठाने का कितना जगह, चलिए आप लोग टेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं ना, मतलब तो इतना दुखी आत्मा की तरह क्यों देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब तो मुझे लगता है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी अच्छा लग रहा है, और मैथ वालों को तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका होगा इनका नहीं होगा। आज से स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी, मेहनत कीजिए अगला 6 मंथ तक। रिजल्ट होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, हम लोग के हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, हार्डवर्क, यही अभी मेरे हाथ में है। ये सोचकर परेशान रहिएगा, आधा जनता तो ये सोचते रहता है नहीं होगा तो क्या होगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप तो भविष्यवक्ता है नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। फिर शाहरुख खान का एक डायलॉग आता है, जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। अब ये सोच कर मत कीजिए कि ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, कोई यहाँ तक पहुँचा है तो बहुत मेहनत किया है भाई, बहुत फाइट किया है तब पहुँचा है। लेकिन अभी हम लोग के पास एक ही चीज़ काम करना है, मेरा भी एक ही ड्यूटी है। अब मैं ये सोचकर परेशान रहूँगा कि पता नहीं वैसे से रिजल्ट होगा नहीं होगा, तो मैं उसमें ज़्यादा टेंशन फील करूँगा, अब पढ़ाने में ध्यान मेरा कम हो जाएगा। अभी मेरा क्या है कि यहाँ पे आए और बिल्कुल 100% बेस्ट एक्टिंग करके निकल जाना है। एक्टिंग तो है, ये मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, ऑब्वियसली पता है, बट यहाँ पर डिलीवरी कैसे कर देना है, आसान चीज़ों को कैसे, देखिए ब्लॉग बनाने के लिए सीख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ओके, तो आज के बाद अगर दो हैलोजन रहेगा किसी को भी पहले बैठा दीजिए, लेकिन बैठाने से पहले बी केयरफुल टाइप ऑफ आयन देखिएगा। तो ब्रोमीन को बैठाने के लिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन फॉर प्लेसिंग द ब्रोमीन, या एक कार्बन डिफरेंट टाइप या सेम टाइप, कार्बन का टाइप देखिएगा या हाइड्रोजन का, कार्बन नहीं हाइड्रोजन को हटा कर बैठाते हैं राइट, इसलिए कार्बन का हाइड्रोजन भी देख लेना है। सर ब्रोमीन को बैठाने का एक ही जगह है, अब यहाँ बैठाएं यहाँ बैठाएं अलग बात है या सेम बात है, बट अब क्लोरीन को बैठाना है, क्लोरीन को बैठाने, यस क्लोरीन को बैठाने के लिए फिर से टाइप ऑफ कार्बन निकालना पड़ेगा,
ऐसे बैठा देंगे या टाइप ऑफ कार्बन निकाल कर, टाइप ऑफ हाइड्रोजन? तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। तो इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना है? दो है। तो क्लोरीन यहाँ भी बैठा सकते हैं। और आप समझ गए कैसे तो आंसर होगा? तो ये तो इतना भी आसान नहीं आएगा, तो बहुत आसान हो गया नहीं। तो इसमें दो आंसर रहेगा, एक ए रहेगा और एक और क्या रहेगा एवरीवन? एक ए रहेगा। इसका नाम, एक मिनट, मिक्स्ड जेमिनल डाइहैलाइड। बोलिए मेरे साथ, सेम पोजीशन पे दो हैलोजन था, जेमिनल डाइहैलाइड, राइट? बट क्या आया, स्ट्रेट है या मिक्स है? ऐसे क्या बोलेगा? मिक्स्ड विसिनल डाइहैलाइड। दो एडजेसेंट कार्बन पे दो ग्रुप रहता है, एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन है, तो इतना तो बोल सकते हैं ना कि दिस द केस ऑफ विसिनल विसिनल डाइहैलाइड। बट स्ट्रेट या मिक्स्ड, एक क्लोरीन है एक, ये सब बोलना सीखिए। तब तो ऐसा लेंगे तो आप लोग बोले सर ये तो देखा ही नहीं है, Cl2 देखा है आज तक, ये भी हैलोजन, ये भी हैलोजन है, बट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मिक्स्ड हैलोजन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट हैलोजन, कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्ट्रेट। ये Cl2 है, सिर्फ क्लोरीन ही है, राइट? हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये IIT में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर जो बना दिए वो मेरे तरफ से 4 मार्क्स रख लीजिएगा, और जो नहीं बनाए वो मेरे तरफ से -1 रख लीजिएगा। और टोटल टाइम इज 3 मिनट। इसमें 4 मार्क्स का बात है, इसलिए आंसर एकदम कॉन्क्रीट दीजिए। वेरी गुड। जो क्वेश्चन बनाने का सही रास्ता को पहचानेगा, जैसे मैं सिखाना चाह रहा हूँ, तब सही आंसर पे आइएगा। देखते हैं कितना सिंपल फार्मूला से कॉन्सेप्ट आपका चेक हो जाएगा। सिर्फ 3 कार्बन, कितना? 3 कार्बन में ही आपको कॉन्सेप्ट चेक कर लेंगे आपका, उनको 10 कार्बन से कॉन्सेप्ट चेक नहीं करना है। और जो हीट एंड ट्रायल करते रहेंगे ना दोनों क्लोरीन ब्रोमीन को एक साथ लेकर, उनका बिल्कुल ऑलवेज गलत आंसर आ जाएगा। मैं बिल्कुल एक सीक्वेंस समझाया हूँ कैसे कैसे करना है, राइट? सबसे पहले कितना आंसर आया? और एनीवन जिनका आंसर 5 आ गया? 4 जिनका आया है वो भी गलत है, करेक्ट? करेक्ट आंसर शुड बी 5। EF कितना आया एवरीवन? वेरी गुड। उसके बाद क्या करते हैं सर? कार्बन का स्केल्टन, 3 कार्बन का कितना ढांचा? एक स्केल्टन। आपके हाथ में क्या बचा? आपकी मर्जी है, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। इस बार क्लोरीन बैठाते हैं पहले, राइट? पहले क्लोरीन, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों से किसी को पहले बैठाइए। क्लोरीन को बैठ, एक साथ दोनों मत उठाइएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, एक ही साथ दोनों कर लेते हैं, गलत आ जाएगा। क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, एक, और उसके बाद हाथों दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? अब इस स्ट्रक्चर में भी ब्रोमीन को लेकर काम करना है, और इस स्ट्रक्चर में भी ब्रोमीन को लेकर काम करना है। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, करेक्ट ना? तो इसमें ब्रोमीन को बैठाने का 3 जगह। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? बोलिए, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप। टाइप ऑफ कार्बन दोबारा नहीं सिखाऊंगा, इसमें बहुत काम किया हूँ, 2 क्लासेस पे टाइम दिया हूँ, राइट? और मैं वहाँ पे बार बार बोल भी रहा था कि यहाँ पे तो कम यूज है, बट आइसोमिजम में मैक्सिमम यूज है।
तो इसे ब्रोमीन को बैठाने का दो जगह, पांचवा स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और मैच कीजिए, कोई रिपीट तो नहीं हुआ। इसको लिख रहा हूं, ठीक है। बात मत कीजिए, पांच अक्षर के मैंने ड्रॉ कर दिया। इसमें से आपके अकॉर्डिंग कोई रिपीट हो रहा है? नहीं, किसी को लग सकता है कि शायद रिपीट हो गया, तो नाम लिख लीजिएगा। इसका नाम है 1-bromo-2-chloropropane। इसका नाम है क्लोरो, नहीं पहले लिखेंगे ब्रोमो, 2-bromo-1-chloropropane। तो एक कंपाउंड और एक कंपाउंड, अल्फाबेटिकल लिखते हैं सबसे उनका नाम। तो ए और ए लग रहा था कि शायद सेम है, बट सेम तो करेक्ट आंसर कितना है 5। तो भाई ये IIT का ऑब्जेक्टिव बन चुका है 2000 से 2005 के बीच में, तो अब तो नीट का ऑब्जेक्टिव बन सकता है और एक मिनट में भी बन सकता है। और फास्ट रहिएगा तो एक 1 मिनट भी इसके लिए काफ़ी है। मैं तो टाइम 3 मिनट दिया था, बट 1 मिनट भी सफिशियंट है, ठीक है। इसको हटाएं ऐसे। अभी आप लोग कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं? अब इसमें स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं, बट स्ट्रक्चरल में कौन सा पढ़ रहे हैं नहीं पता है। सारा एक साथ पढ़ रहे हैं 6 का 6, करेक्ट। बाद में उसको डिवाइड करेंगे। ऐसे मैं बताता हूँ, ये पांचों के बीच में आपस में रिलेशन पोजिशनल आइसोमर का है। किसका है? जब पोजिशनल पढ़ाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। पोजिशनल में पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कॉन्स्टेंट रहता है और बाकी ग्रुप का पोजिशन डिफरेंट होता है। तो सबके लास्ट में तो प्रोपेन ही आएगा। अब क्वेश्चन को बस 1% टफ कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। C3H5, फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर। फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर। कितना होगा? 13 होगा। सब लोग अपना अपना ट्राई कीजिए। वेरी गुड। जिनका आंसर 3 है वो मेरे से -2 लीजिए, और जिनका आंसर 4 है वो थोड़ा वेट कीजिए। 4 में से कोई रिंग स्ट्रक्चर आया है तब 4 मार्क्स ले लीजिए। वेरी गुड। नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से फास्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा लगता था, अभी धीरे धीरे फास्ट होना है। UF कितना? 4 आ गया आंसर। UF 1। 1 UF के लिए क्या क्या सोच सकते हैं? एक 1 pi bond इन ओपन चेन और 1 ring विदाउट पाई बॉन्ड। तो जिनका 3 आंसर आया वो रिंग भूल गए होंगे, बट मैंने तो बताया था कि 1 UF रहेगा तो ऐसे सोचना है, राइट। तो पहले भाई भूलना नहीं है, भूलने के लिए थोड़े पढ़ा रहे हैं। 1 pi bond विदाउट रिंग। एक मिनट रुकिए, इसका मतलब है कि अब सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ देखिएगा। अब आप लोग रुक जाइए, 3 carbon का कितना स्ट्रक्चर? आपके हाथ में क्या है?
ऐसा कीजिएगा, तीन कार्बन का एक स्ट्रक्चर और मेरे हाथ में क्या बचा, और आपको टाइप ऑफ कार्बन जहाँ पे पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन भी पढ़ाए होंगे, याद है? तो पाई बॉन्ड कहाँ बैठाएंगे, कार्बन पे या दो कार्बन के बीच में? दो कार्बन के बीच में प्लेस करते हैं, ठीक है? तो अगर पाई बॉन्ड रहेगा और हेलोजन रहेगा तो सबसे पहले पाई बॉन्ड को बैठाना है, पहले ब्रोमीन को बैठाना है या पहले पाई बॉन्ड को, ये भूल जाइएगा, पहले लिखिए बिटवीन पाई बॉन्ड एंड हेलोजन, बिटवीन पाई बॉन्ड एंड ग्रुप फर्स्ट किसको प्लेस करना है एवरीवन, पाई बॉन्ड को, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसका मतलब पहले किसको बैठाना है। अब यहाँ एक मिनट, यहाँ देखिएगा दो हेलोजन के बीच में आपका चॉइस था, बट यहाँ पे आपका चॉइस नहीं है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर इन दोनों में बैठाना रहेगा तो किसको पहले बैठाएंगे, इसको पहले प्लेस करना है, बाद में इसके लिए सोचना है। यहाँ देखिए फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, दिस इज लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप एंड दिस इज लोकेशन बिटवीन, तो लोकेशन डिफरेंट है, सेम है, तो पाई बॉन्ड को बैठाने का एक ही जगह, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, अलग बात है, सेम बात, सेम बात है। गेस तो करना ही नहीं है, गेस करने के लिए थोड़े पढ़ा रहे हैं, बनाना है। अब पाई बॉन्ड को मैंने बैठा दिया, अब हाथ में बचा ब्रोमीन, अब यहाँ पे फिर से टाइप ऑफ कार्बन, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, राइट? और यहाँ पे हाइड्रोजन है या नहीं है, यहाँ भी बैठेगा यहाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कार्बन शुड नॉट बी पेंटावैलेंट, करेक्ट? यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा, इसका मतलब है कि यहाँ से तीन मिल जाएगा। आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि एरो देके छोड़ दिए, आप लोग को ड्रॉ करना है। अब आते हैं रिंग पे, बोलिए। तो हैलोजन को कभी भी रिंग का मेंबर नहीं बनाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसको नहीं बनाना है? तो हैलोजन को छोड़ दिया जाए तो कार्बन तो तीन ही है, और तीन कार्बन का रिंग कितना बन सकता है, एक ही बन सकता है, और रिंग बनाने में आपका 1 UF खर्च हो गया। अब आपके पास UF है नहीं है, और हाथ में क्या है, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, वन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, एक ही बात है, एक ही बात है। तो यहाँ से स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू इस ये भी तो क्वेश्चन बिल्कुल नीट को डिजर्व करता है, राइट? और इसके इसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, रिंग चेन, क्या बोलिएगा, रिंग ओपन चेन, रिंग एंड रिंग चेन, करेक्ट? ये बिल्कुल आएगा इस टाइप का, ठीक है? सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको थोड़ा और टफ बनाया जाए, फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर इस समय। कितना, कोई बात नहीं, आप लोग टाइम लीजिए।
चलिए, इसका कितना आंसर आ गया, सबका बन गया? भाई यहाँ तक कौन ओपन जन में काम करते हैं, यहाँ तक आप लोग में से कौन कौन लोग आ गए हैं? ये तो सबका बन जाएगा। मेरे हाथ में ओपन जन में क्या था, एक पाइवन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन। पहले किसको बैठाना है? अब यहाँ के बाद आपकी मर्जी, पहले क्लोरीन को बैठाएं या ब्रोमीन को, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअल में नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले क्लोरीन को बैठाते हैं। क्लोरीन कहाँ बैठ सकता है? करेक्ट, आप लोग हाथों हाथ इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस बन सकता है। चलिए यहाँ तक कौन कौन लोग आ गए हैं। अब इसके लिए भी मेरे पास ब्रोमीन है, इसके लिए भी मेरे पास ब्रोमीन है, और इसके लिए भी मेरे पास ब्रोमीन है, एग्री ना? इसमें ब्रोमीन बैठाने का जगह यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ से तीन मिलेगा। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? बोले फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बन पढ़ा चुके हैं, ऑब्वियसली थ्री टाइप, हर कार्बन दूसरे से अलग है। ए भी डबल बॉन्डेड, ए भी डबल बॉन्डेड, बट ये ऐसा डबल बॉन्ड जिसके पास क्लोरीन है, इसके पास क्लोरीन, ये भी तो एक डिफरेंस है। तो इसमें ब्रोमीन बैठाने का जगह, वेरी गुड, तीन नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं बैठाएंगे। तो आपने ऐसा भयानक मिस्टेक किसने किया या सोचा? अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट करना सीखिए। एनीवन जिसने मिस्टेक किया है, यहाँ पे बैठाने का मतलब पेंट ऑलरेडी टेट्राब्लेंट हो चुका, अब जगह है यहाँ पे, आप नहीं बैठा सकते हैं, इसका वैलिडिटी चार पूरा हो गया, राइट, क्लोरीन को बैठाने के बाद। दैट्स व्हाई यहाँ पे नहीं बैठाएंगे। तो यहाँ से कितना, दो, इसमें तो आपको ओपन चेन से ही कितना मिल गया है। और ऐसे मेरा अनुमान है कि इसमें सब दूसरे से डिफरेंट रहेगा, कोई रिपीट नहीं होगा, लेकिन आपका लर्निंग प्रोसेस है। आपने तक ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्वेश्चन है, ये डिजर्व करता है जेई मेन का ऑब्जेक्टिव या एडवांस का, बट हम लोग क्लास में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा तीन, यहाँ से मिलेगा दो, पाँच, और यहाँ से कितना मिलेगा, इस आठ में से कोई भी रिपीट नहीं होगा, डैम श्योर। आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग ऐसे एरो मत दीजिएगा, आप लोग बनाइएगा, एरो मत दिया कीजिए भाई, बनाइए स्ट्रक्चर को, आप लोग टीचर थोड़े हैं, टीचर बनिएगा तो एरो देकर काम चलाइएगा, घर पे ड्रॉ कर लीजिएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आते हैं रिंग में, हो गया ना, यहाँ तक समझ में आया सबको? बहुत लोग फिर से वही मिस्टेक करते हैं, एरो देकर काम चला लेते हैं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कौन कौन लोग एरो देकर काम चला रहे हैं। यहाँ देखिए, अब आते हैं रिंग पे, ईएफ आपका एब्जॉर्ब हो गया, आपके हाथ में है क्या, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो इसमें पहले किसको बैठाएं, यहाँ पे आपकी फ्रीडम है, ठीक है। ब्रोमीन को बैठाने का जगह, या तो यहाँ फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, और नहीं तो यहाँ, बट यहाँ बैठाएं, यहाँ बैठाएं, अलग बात है, सेम बात। तो इसमें दो मिलेगा रिंग से, सी एल बी आर, और क्या मिलेगा, सी एल बी आर। तो रिंग से कितना मिला एवरीवन, और ओपन चेन से कितना, आठ, करेक्ट आंसर इज व्हाट, किनका किनका टेन आया था, ऑनेस्टली बताइए, बाकी लोग का क्यों नहीं आया, हैं, ओह मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, एक कॉन्सेप्चुअल भी है, बट पेंटाब्रेंड का आप ख्याल रख लेंगे ना। तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब फ्राइडे को, ए चार, ए पाँच बना के आना है घर से, ओनली पाँच दे रहा हूँ, कितना, फाइव। इस फाइव में आपको 45 मिनट्स लगेगा, इसको प्रॉपर तरीके से जैसे बनाते हैं आप, इस इन सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा क्लास में, बना के आइएगा।
अभी अगला दो क्लास इसी टाइप का प्रैक्टिस चलेगा, दो या तीन क्लास। ओके एवरीवन, देन